दोस्तों मोगरा के पौधे पर बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार फूल खिलते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मोगरा के पौधे पर फूल खिलते ही नहीं, बल्कि टहनियों की लंबाई बढ़ती रहती है, पत्ते बहुत सारे आते रहते हैं लेकिन फूल नहीं आते। जिस तरीके से दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरे इस पौधे पर फूल बिल्कुल नहीं है, बल्कि टहनियों की जो लंबाई है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन हैं, बहुत सारी पत्तियाँ भी आई हुई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस पर किसी बीमारी ने अटैक किया हुआ है, बल्कि पौधा पूरी तरीके से हेल्थी है। अगर आपके पौधे पर भी इसी तरीके की समस्या है, पौधा बढ़ रहा है लेकिन उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे केयर टिप्स बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिससे आप इस्तेमाल करके अपने पौधे पर ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, किस तरीके से हम मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, इस बात को जानने से पहले दोस्तों हम पहले बात करेंगे केयर एंड टिप्स की, क्योंकि दोस्तों जो भी पौधा है आपके पास तो उसकी खास देखभाल भी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनलाइट की, इस पौधे को कितना सनलाइट चाहिए होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि अभी 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, मतलब 44 डिग्री तक पहुँच चुका है हमारे यहाँ पर टेम्परेचर, तो इतना हाई टेम्परेचर भी इस पौधे को नहीं चाहिए होता है, बल्कि 40 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ पर है तो आप इसको डायरेक्टली धूप में रखें, अगर 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें। ये तो ही दोस्तों सनलाइट की बात। अब अगर हम बात करें इस पौधे को कितना पानी चाहिए होता है, तो दोस्तों इस पौधे की मिट्टी में हमेशा नमी रहना चाहिए। अगर हम बात करें पानी देने के तरीके की और पानी कब देना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुबह मॉर्निंग में पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर शाम को पौधे की मिट्टी ड्राई हो जाती है तब भी आप पानी दें। जब पौधे को ज़रूरत हो पानी की तभी पानी देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है और मॉइस्चर खत्म हो जाता है मिट्टी के अंदर, तो दिन में 2 बार पानी जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों इसकी पत्तियों पर भी आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, इससे पौधा ग्रीन रहेगा और ऊपर जो धूल मिट्टी जमा हो जाती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों को अपना कर भी आप अपने पौधों को हेल्थी रख सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की, कौन सा हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए, तो दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग, ये तो हर हफ्ते या 15 दिन के अंतराल पर अपने पौधे की हाइट के हिसाब से देते रहना होगा, लेकिन जो मेन फर्टिलाइजर है जिसके द्वारा आप ज़्यादा फूल ले सकते हैं वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों आपने देखा होगा फूल खिलने के बाद में फूल की पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं और उसके बाद में जो नीचे वाला हिस्सा रह जाता है, तो उससे कुछ नीचे का हिस्सा आप कट कर दें, इससे आपके पौधे पर नई नई ब्रांचें निकलने लगती हैं, इससे और भी ज़्यादा फूल बनने के चांस होते हैं। तो ये भी छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको भी आप अपनाते हैं तो आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस होते हैं। दोस्तों मोगरा बेल वाला पौधा होता है, कुछ बेल की तरह ही बढ़ता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस तरीके से अगर आपका पौधा बढ़ रहा है और फूल नहीं दे रहा है तो आपको एक काम ये करना होगा, इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी लंबी लंबी इस पर ब्रांचें हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे, तो दोस्तों इसमें एक कारण ये भी है कि हमने इसको ज़्यादा हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर दिया था, जिसकी वजह से इसकी टहनियों की जो हाइट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी लेकिन फूल नहीं आए। तो ऐसी हालत में दोस्तों हमें एक काम ये करना होगा, इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। हार्ड प्रूनिंग दोस्तों मार्च के शुरू में भी की जाती है, लेकिन अगर आपका पौधा इस तरीके से फूल देना बंद कर रहा है तो आप कभी भी इस तरीके से उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको करता हुआ दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में कोई भी जो ज़्यादा हाई फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर हो वो ऐड करें मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद में। तो चलिए दिखा देते हैं किस तरीके से हमने मिट्टी की गुड़ाई की और कौन सा फर्टिलाइजर मिलाया। लेकिन दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके जो पौधे हैं मोगरा के या फिर जासमिन, ये सभी एक ही फैमिली के पौधे होते हैं, तो इनकी कभी कभी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, ना ही पत्तियों की और ना ही टहनियों की ग्रोथ हो पाती है। तो ऐसी हालत में दोस्तों आप कौन सा फर्टिलाइजर ऐड करें, तो मैं आपको बता दूँ, शुरू में तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर फुल डीकम्पोज हुआ काउ डंग ही ऐड करें। जैसे ही दोस्तों पौधे की ग्रोथ होने लगे तो आप जो इस वीडियो में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर ऐड कर दें, इससे आपके पौधे की हाइट भी अच्छी रहेगी और वो ग्रीन भी रहेगा लेकिन साथ में फूल भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए अपने मोगरा के पौधों को। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पौधे की अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है, लगभग 2 से 3 इंच गहरी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी चाहिए, इससे हल्की फुल्की रूट्स कट जाती हैं तो उसकी आप फिक्र न करें, बल्कि वो हल्की फुल्की रूट्स कटने से हमारे पौधों को फ़ायदा पहुँचता है। वो फ़ायदा ये पहुँचता है, जैसे ही हल्की फुल्की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा और भी तेज़ी से रूट्स बनाने लगता है, इस तरीके से पौधे की मिट्टी में जो रूट्स होती हैं वो भी बढ़ने लगती हैं और बाहर जो ब्रांचें होती हैं वो भी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। तो 2 फायदे हैं मिट्टी की ज़्यादा गहराई से गुड़ाई करने का। तो दोस्तों मैंने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दी है, अब बारी आती है फर्टिलाइजर देने की। तो
जिसका इंतजार आपको काफ़ी देर से था। चलिए शुरू करते हैं, कौन सा वो फर्टिलाइजर है और किस तरीके से हमें रेडी करके इस पौधे को देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो दोस्तों, मोगरा के पौधे के लिए फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको चाहिए 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी के अलावा दोस्तों आपको चाहिए 1 चम्मच एनपीके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एनपीके 1919 है, तो मैं 1 चम्मच 2 लीटर पानी में डालूंगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए ये सीवीड फर्टिलाइजर, जो कि लिक्विड फर्टिलाइजर है, जो समुद्र की घास वगैरह से बनाया जाता है। इसको जाइम फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक होता है फुली। ये सभी पौधों की सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और इसका दोस्तों कोई भी खास साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर आप ज़्यादा भी यूज कर लेते हैं तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो हमें दोस्तों 2 लीटर पानी में लगभग इसको 5 ml यूज करना होगा। तो चलिए 5 ml के लगभग मैं 2 लीटर पानी में मिला देता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही पौधों को देना होगा, क्योंकि दोस्तों जो एनपीके 1919 है वो पानी के नीचे जम जाता है। तो अच्छे से किसी भी टहनी की मदद से या इस तरीके से चम्मच से, जैसे भी आप चाहें, अच्छे से घोल लें। घोलने के बाद में आप अपने पौधे की मिट्टी में डालें। दोस्तों आपको ये फर्टिलाइजर महीने में 2 बार इस्तेमाल करना होगा, हर 15 दिन के अंतराल पर। इसके बाद में दोस्तों आपको 2 महीने का गैप रखना होगा, ब्रेक लेना होगा। उसके बाद में फिर से आपको दोस्तों 1 महीने में 2 बार फिर से ये फर्टिलाइजर यूज करना होगा। इस तरीके से अगर आप ये फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो आपके पौधे पर हमेशा फूल आते रहेंगे और पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सारे टिप्स, ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं।